नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। दोस्तों मैं हूं प्रिंस मनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल बैंकिंग वाला। हाउ टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट बिजनेस। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एक सज्जन है जॉबिन, वो जहाँ रहते हैं वहाँ कोकोनट की खेती बहुत होती है। इनके एक फ्रेंड जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं इनको सजेस्ट करते हैं कि उनके कंट्री में कोकोनट की भारी डिमांड है और वो जॉबिन को ऑर्डर लेने में भी हेल्प करेंगे। सो इसके लिए जॉबिन को अपना बिजनेस सेटअप करना होगा। सो हम जॉबिन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि वो अपना बिजनेस किस तरीके से सेटअप कर पाए। बिजनेस को सेटअप करने से पहले जॉबिन को अपने बिजनेस का नेचर चूज करना होगा, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी या फिर HUF। इसके बाद इनको यह भी डिसाइड करना होगा कि ये मर्चेंट एक्सपोर्टर बनेंगे या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। दोस्तों अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करें। यह सब डिसाइड करने के बाद इनको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना होगा। सभी जरूरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन्हें अपनी फर्म का करंट अकाउंट ओपन भी कराना होगा, साथ ही साथ इन्हें अपने अकाउंट की चेकबुक भी इशू करा लेनी होगी जिसकी जरूरत इन्हें आगे IEC कोड इशू करवाने में होगी, जो कि हम आगे अगले स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप 2। स्टेप 1 के बाद अब जॉबिन ने अपना बिजनेस रजिस्टर करा लिया है जिसका नाम है फ्रेश कोकोनट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब उसको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसे IEC लाइसेंस चाहिए बिकॉज एज पर FIDR एक्ट ऑफ इंडिया कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्राप्त ना कर ले। IE प्राप्त करने के लिए जॉबिन को DGFT पर अप्लाई करना होगा। DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। फ्रेश एप्लीकेशन डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता है और ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जिसका एड्रेस है www.dgft.gov.in, जिसकी फ़ीस सिर्फ ₹500 है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कैंसिल चेक चाहिए होता है। यहाँ पर जॉबिन को ध्यान देना होगा, नंबर 1, एक ही पेन के अगेंस्ट केवल एक ही IEC इशू हो सकता है। नंबर 2, IEC की वैधता जीवन भर होती है। स्टेप 3। स्टेप 2 में IEC प्राप्त करने के बाद जॉबिन को EPC यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पर रजिस्टर कराना होगा, जिसको कमोडिटी बोर्ड भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की लिस्ट DGFT के वेबसाइट पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अपेंडिक्स में मिल जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि जॉबिन को कोकोनट एक्सपोर्ट करने हैं, इसलिए जॉबिन को रजिस्टर कराना होगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को, जो कि सभी कोकोनट प्रोडक्ट्स का EPC है। यहाँ पर नोट करें कि कुछ प्रोडक्ट के लिए एक से ज़्यादा EPC के पास रजिस्टर कराना पड़ सकता है। स्टेप 4। अब जॉबिन को आइडेंटिफाई करना होगा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो कि कोकोनट को एक्सपोर्ट करने में जरूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट 1963, जो कि इंडिया की एक्सपोर्ट ट्रेड के डेवलपमेंट को गवर्न करता है, जॉबिन की हेल्प करेगी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई करने में। अब जॉबिन ने अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर लिया है, परंतु यह यहाँ एंड नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरे बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेमेंट मेथड, शिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। परंतु जॉबिन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल गाड़ी वाला इन सभी स्पेसिफिकेशंस को आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेगा। हम गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली स्कीम्स को भी आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि जॉबिन जैसे एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल ट्रेड में हेल्प मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दोस्तों बैंकिंग से जुड़ी टेक्निकल टर्म्स को समझने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।